नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं दोस्तों फिर से एक नई और ताज़ा वीडियो में। दोस्तों 17 अगस्त की दोपहर 2:30 बजे आपकी कुंडली में बवाल मचने वाला है, मिलेगी इतिहास की सबसे बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, यह खुशखबरी सबको पागल कर देगी। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी हैं और ज्योतिष शास्त्रों में बुधवार के दिन सभी दिनों में से एक दिन विशेष है, जो कि यह दिन ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के दिन है और इस दिन भगवान श्री गणेश जी को अपने भक्तों को ऊपर कृपा बरसाते हैं और बुधवार के इस पावन दिन में जो भी कोई व्यक्ति यह एक छोटा सा उपाय सच्चे मन से कर लेता है, उन्हें भगवान श्री गणेश जी का कृपा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, ये उपाय वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे इस दिन भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से किन किन क्षेत्रों में लाभ होंगे और कौन कौन से कार्य आप सभी के लिए भाग्यशाली होंगे, इस समय कौन कौन से कार्य करनी है और कौन कौन से कार्य नहीं करनी है, एक एक जानकारियों को विस्तार से देंगे। कान लगाकर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, अगर आप भी भगवान श्री गणेश जी के सच्चे भक्त हैं और उनसे सच्चा प्रेम करते हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर प्रदान करें और कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे दिल से लिखें जय श्री गणेश गणपति बप्पा मोरिया। आइए दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आज का दिन आपके लिए कैसे रहेंगी और कौन कौन सी खुशखबरियां आपको मिलने वाली है। दोस्तों पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या से निवारण होने से तनाव मुक्त महसूस करेंगे तथा अपने वर्तमान गतिविधियों पर अधिक से अधिक ध्यान दे पाएंगे, जिसका सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा तथा कई प्रकार की गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो कुछ लोग जलन की भावना से आपको भावनात्मक रूप से कमज़ोर करने के लिए आपके प्रति नकारात्मक बातें करेंगे, ऐसे लोगों से सावधान रहें और दूरी बनाकर रखें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही ना बरतें, इस समय और अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी आपको अच्छे परिणाम हासिल हो पाएंगे। इसके उपरांत आज किसी खास व्यक्ति के साथ गंभीर विषय पर वार्तालाप और चर्चा होगी, इस समय चर्चा के द्वारा देखिए रखा गया मजबूत पक्ष आपके मान सम्मान को भी बनाकर रखेगा। रोज़मर्रा की गतिविधियों से आपको कुछ सम्मान और मौज मस्ती करने के लिए भी समय निकाल पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, यह समय किसी खास कार्य के प्रति आपका पूरा ध्यान केंद्रित रहेगा, आत्मविश्वास से जुड़े विषयों में भी रुचि रहेगी, अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम देने में सक्षम रहेंगे। अगर कोई पैतृक मामला अटका हुआ है तो किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है और किसी नज़दीकी व्यक्ति के साथ विशेष मुद्दे को लेकर कहा सुनी जैसी स्थिति बन सकती है। आपकी कोई खास बात भी सार्वजनिक होने की आशंका लग रही है, कुछ समय आध्यात्मिक स्थल पर या एकांत में व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति मिलेगी। वहीं दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें यह समय धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में व्यस्तता रहेगी तथा जनसंपर्क का दायरा भी बढ़ेगा, आप अपने आप को मानसिक व भावनात्मक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। प्रवृत्ति आपका भरपूर सहयोग कर रही है और अपनी पूरी क्षमता और मेहनत अपने कार्यों को पूरा करने में लगानी आपके लिए अच्छा रहेगा। गुस्से और जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें, किसी देखिए संबंध या पड़ोसी के साथ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है, उनसे आपको दूरी बनाकर रखना उचित रहेगा। घर के वरिष्ठ सदस्यों के अनुभव और मार्गदर्शन पर भी जरूर अमल करें, आपको बेहतर परिणाम हासिल होंगे। वहीं दोस्तों
आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, यह समय बिजनेस में प्रोडक्शन संबंधित कामों में देखिए कमी से तनाव बढ़ सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित व्यवसाय में सुधार आएगा। सरकारी नौकरी में अपने कार्यों के प्रति लापरवाही न करें, क्योंकि कोई कंप्लेंट होने जैसी स्थिति बन सकती है। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय इनकम के नए सोर्स बनेंगे। नया काम शुरू करने की योजना है तो उस पर भी शुरू कर दें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सफलता के योग हैं और बीमा शेयर से जुड़े लोग आज ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय कार्य क्षेत्र में काम की अधिकता रहेगी, परंतु जल्दबाजी की बजाय गंभीरता और सावधानी पूर्वक कार्य करने की जरूरत है। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों की फायदेमंद डील हो सकती है। ऑफिस का माहौल शांतिपूर्ण बना रहेगा और बॉस जो है, मालिक आपके काम जो है देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होंगे। वहीं दोस्तों, अगर आपकी पारिवारिक वातावरण आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा बना रहेगा, युवाओं के प्रति प्रेम संग और अधिक प्रगाढ़ होंगे, लेकिन आपको इस समय व्यर्थ के प्रेम संबंधों से दूरी बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें, तो इस समय कुछ समय से चल रही स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों से आज कुछ हद तक राहत मिलेगी। अपना जो है इम्यून सिस्टम मजबूत बनाकर रखें, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब समय आ चुका है उपायों की, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये चमत्कारिक उपाय आपको बेहद जो है कारगर साबित हो सकता है। दोस्तों, श्री गणेश जी को अपनी ताकत बनाना है तो लाल गुल्हड़ का फूल उसके सर पर चढ़ाएं और सूखने तक का इंतज़ार करें। फूल सूखने पर उसे अपने पर्स में डाल लें। आपका पर्स जो है कभी भी खाली नहीं रहेगा, पर्स आपका हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। दोस्तों, ये चमत्कारिक उपाय जरूर कीजिएगा, आपको बेहद लाभ होगा। दोस्तों, जानकारियाँ अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, जानकारियों को आप सबसे पहले प्राप्त कर सकें और अपने जीवन के सुखों का आनंद ले सकें। दोस्तों, धन्यवाद। दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो। माता रानी आपके सारी ज़रूरतों को पूर्ण करे। धन्यवाद।